मैडम जी आज ये मिठाई क्यों बांटी जा रही है? आज हम मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं उनको देते हैं हम, और ये उसी उपलक्ष्य में हम आज हमने यहाँ पे थोड़ा भजन कीर्तन का प्रोग्राम रखा हुआ था, उसी को हम सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Yeah.
सारी हेल्प की मेरे साथ। एक कीर्तन का कार्यक्रम रखा था घर में, पूरे बर्तन इन सब ने साफ किए हैं, किसी को भी हाथ लगाने नहीं दिया है। खास करके पिंकी दीदी ने तो देखो कैसे पूरी सेटिंग करके रखी हुई। अनुराधा दीदी ने पूरा खाना सबको खिलाया है और लास्ट में खुद खाया है, और सुमन दीदी ने बहुत हेल्प की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मामा ठीक है
जय माता दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उसी उपलक्ष हमने ये सत्संग कीर्तन अपने घर में करवाया और सभी मातृशक्ति ने इसमें भाग लिया। और हम यही दुआ करते हैं कि प्रधानमंत्री जी की बहुत लंबी आयु हो और हमेशा स्वस्थ रहें और आने वाले आगे के समय में वही हमें प्रधानमंत्री जी के रूप में मिले। जय माता दी। हमें जैसे ये हमारी कंट्री को चला रहे विश्व गुरु जो हमारा देश बनने जा रहा है, हम चाहेंगे कि अब ये हमारा नृत्य पूरी हिंदुस्तान में करते रहे। हमारे जो आज यहाँ पर मंडल में मेरे सीनियर कार्यकर्ता तकरीबन सारे हैं, जैसे कि हमारे मंजीरा गांधी हैं जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी हैं और एसडीसी प्रेजिडेंट हैं, हमारे राशि कोतवाल जी हैं जो कि एक बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे रविंद्र कोतवाल जी जो कि प्रदेश कार्यकारी के मेंबर हैं, हमारे सुभाष जी जो कि किसान मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी हैं, हमारे पिंकी जी जो कि मंडल प्रधान नाला मोर्चे की प्रधान है और हमारी रेखा जी जो कि वाइस प्रधान है मंडल की। हमारे धन्यवाद।